नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम हेल्थ और हेल्थ केयर के बारे में बहुत ही ऑथेंटिक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड यूएस नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी की जानकारी आपको सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में देते हैं ताकि आप समझ सकें। तो इसी तरह से आज का हमारा टॉपिक है मेलेस्मा या हाइपर पिगमेंटेशन पर। ये टॉपिक के बारे में बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी हमारे पास, तो इसीलिए ये टॉपिक आज हमने लिया है। और इस टॉपिक के बारे में आज हम सब कुछ जानेंगे कि ये क्यों होता है, कि ये क्यों होता है, इसके कारण क्या क्या है और इस बीमारी में होता क्या है एग्जैक्टली सेल लेवल पे, और इसका ट्रीटमेंट क्या है, प्रिवेंशन क्या है, दवाइयां क्या है, सब जानेंगे। मेलेस्मा के बारे में जानने से पहले आपको थोड़ी बातें स्किन के बारे में, स्किन पिगमेंटेशन के बारे में जाननी जरूरी है। सबसे पहली बात आपको ये जाननी जरूरी है कि अगर आपकी स्किन के कुछ हिस्सों का कलर थोड़ा डार्क या थोड़ा लाइट भी हो जाता है, तो ये एक नॉर्मली किसी भी प्रकार के सीरियस मेडिकल कंडीशन का साइन नहीं है। दूसरी बात, स्किन के अंदर जो ये कलर आता है, किसी का डार्क किसी का लाइट, ये कलर पैदा करने वाले सेल्स होते हैं, इस कलर को कहते हैं मेलेनिन। ब्राउन कलर का पिगमेंट होता है जिसमें मेलेनिन ज्यादा, वो उतना ज्यादा डार्क काला होता है। ये मेलेनिन बनाने वाले एक तरीके के सेल होते हैं, उनको कहते हैं मेलेनोसाइट्स। आपकी चमड़ी में हर जगह मेलेनोसाइट्स हैं और वो मेलेनिन बनाते हैं। जिनकी चमड़ी ज्यादा काली है उनके शरीर में मेलेनिन ज्यादा है, उसे हाइपर पिगमेंटेड स्किन कहते हैं। और इसी तरह जहां जहां पे थोड़ा सा डार्क हो गया है उस जगह पे मेलेनिन ज्यादा है, और अगर कहीं पे मेलेनिन कम हो गया है तो वो हाइपो पिगमेंटेड हो जाएगा, और अगर मेलेनिन खत्म हो गया है तो वो डी पिगमेंट हो जाएगा, बिना मेलेनिन का हो जाएगा। तो ऑब्वियसली अगर आपके स्किन के कुछ इलाके में, कुछ एरियाज में मेलेनोसाइट्स की एक्टिविटी कम हो गई, अंडर एक्टिव हो गए, तो मेलेनिन कम बनेगा, स्किन लाइट हो जाएगी। उसी तरह मेलेनोसाइट्स ओवर एक्टिव हो गए तो मेलेनिन ज्यादा बनेगा, स्किन डार्क हो जाएगी। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है टैनिंग। आप धूप में जाते हैं, अगर आपने स्लीव्स पहनी है तो आपका स्किन यहां तक डार्क हो जाएगी, बाकी वाइट रहेगी। आपने अगर टोपी पहनी है तो आपकी स्किन टोपी तक व्हाइट रहेगी, उसके नीचे डार्क हो जाएगी। बहुत ही जल्दी, बहुत ही ज्यादा असर होता है सूरज का, धूप का, आपके मेलेनोसाइट्स की एक्टिविटी पे। एक और चीज के बारे में बताना जरूरी है दोस्तों, कुछ लोगों के स्किन में ब्राउन कलर आना शुरू हो जाता है जो कि सन टैन नहीं है, जो कि अलग है। ये ब्राउन कलर का डिस्कलरेशन धीरे धीरे होता है, और कई लोगों की कोहनियों में, नकल्स में और घुटने का कलर ब्राउन होता है। ये ब्राउन कलर कभी कभी आपके तलों में और हाथ के तलों में और पैर के तलों में भी पाया जा सकता है। ये लाइट भी हो सकता है, डार्क भी हो सकता है, लेकिन ये ना तो सन टैन है, ना ये टैन है, ना ये मेलेस्मा है। मोटी मोटी बात अगर करी जाए कि आपके स्किन का कलर ज्यादा डार्क कब होगा, मेलेस्मा की बात नहीं कर रहा हूं, मेलेस्मा की बात अगर दो मिनट के लिए ना करी जाए, स्किन की बात करें, स्किन ज्यादा डार्क कब होगा, हाइपर पिगमेंटेशन का कारण क्या है, तो उसमें सबसे पहले, सबसे बड़ा, सबसे कॉमन कारण है सन, धूप, जो हमने अभी देखा। तो स्किन के अंदर मेलेनोसाइट ओवर एक्टिव क्यों हो जाएंगे, अगर स्किन के अंदर कोई इन्फ्लामेशन है तो इन्फ्लामेशन के बाद, इसलिए जब भी जहां पर भी स्किन में कहीं पर भी चोट लगती है, इन्फ्लामेशन होती है, तो फिर जो स्किन उसके बाद जो घाव भरता है, चोट लगती है उसके बाद जो घाव भरता है और जो स्कार बनता है वो थोड़ा डार्क होता है, गाढ़ा होता है, क्योंकि उसमें हाइपर पिगमेंटेशन होता है, तो स्किन इन्फ्लामेशन। आपके हॉर्मोन्स, आपके हॉर्मोन लेवल जैसे ऊपर नीचे होते हैं तो उसके वजह से भी स्किन में डार्कनिंग होती है। प्रेगनेंसी में जैसे कि आपके हॉर्मोन्स बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होते हैं, इसलिए प्रेगनेंसी में मेलेस्मा भी ज्यादा पाया जाता है, और उसको कई बार मास्क ऑफ प्रेगनेंसी भी कहते हैं। इसीलिए आपके हॉर्मोन्स लेवल्स जैसे ही ऊपर नीचे होते हैं तो आपके स्किन के अंदर हर एक तरीके के जो सिक्रीशंस होते हैं, चाहे वो आपके स्वेट ग्लैंड्स हों, चाहे वो सीबम हो, ऑयल ग्लैंड्स हों, चाहे वो आपके मेलेनोसाइट्स हैं, उनके फंक्शंस ऊपर नीचे होते हैं।
इसीलिए प्रेगनेंसी में जब हार्मोन्स ऊपर नीचे हो रहे हैं, या आप बर्थ कंट्रोल पिल ले रहे हैं तब, या आप कोई भी हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी ले रहे हैं या उसे बंद कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशंस में इस तरीके की दिक्कतें, स्किन हाइपर पिगमेंटेशन, डी पिगमेंटेशंस बहुत कॉमनली देखे जाते हैं। तीसरी चीज है दवाइयाँ, ड्रग्स। किसी कई प्रकार की दवाइयाँ हैं जिनसे के आपके स्किन के जो मेलेनोसाइट्स हैं उनके फंक्शंस अफेक्ट होते हैं। कुछ प्रकार के कैंसर कीमोथेरेपीज से होते हैं, बर्थ कंट्रोल पिल्स हमने ऑलरेडी देखा हॉर्मोन्स को चेंज करते हैं, और कुछ मीनोसाइक्लिन जैसी दवाइयाँ हैं जो वो भी करती हैं, और भी कुछ क्रीम्स भी आती हैं, कुछ कुछ क्रीम्स, लोकल क्रीम जो आप लगाते हैं वो भी अफेक्ट करती हैं, और कुछ क्रीम स्किन इन्फ्लामेशन भी करती हैं। स्किन इन्फ्लामेशन अपने आप में एक कारण है जिसकी वजह से हाइपर पिगमेंटेशन होता है। इन्फ्लामेशन का मतलब है अगर कभी भी कहीं भी आपके चमड़ी में सूजन है, जलन है, लालपना है, चाहे वो चोट लगने के बाद हो, एलर्जिक रिएक्शन हो, चाहे कुछ भी हो, तो वहाँ उस एरिया में पिगमेंटेशन बढ़ जाता है, मेलेनोसाइट्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है। इसीलिए जब भी चोट लगती है, घाव भरता है, तो घाव भरने के बाद जो स्कार बनता है वो थोड़ा डार्क होता है। इसीलिए वो डार्क होता है क्योंकि वहां मेलेनोसाइट्स मेलेनिन ज्यादा बना देते हैं। और चौथी चीज जो है आयरन ओवरलोड। आयरन ओवरलोड, अगर आपके शरीर में आयरन बहुत ज्यादा है तो हीमोक्रोमेटोसिस से भी हाइपर पिगमेंटेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये सारे चांसेस, ये सारे कारण हुए जनरलाइज्ड हाइपर पिगमेंटेशन के। मेलेस्मा के कारण इन्हीं में से हैं, वो अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे। और अगर बात कर ही रहे हैं स्किन की पिगमेंटेशन, हाइपर पिगमेंटेशन की, तो हाइपो पिगमेंटेशन, स्किन वाइट हो जाने के कारण भी कुछ कुछ सिमिलर है। पहला कारण वही है स्किन इन्फ्लामेशन, उसमें कई दफ़ा मेलेनोसाइट्स डैमेज हो जाते हैं और उनकी एक्टिविटी कम हो जाती है, और इसी वजह से फिर स्किन के कलर कम हो जाता है। कुछ दवाइयाँ, कुछ स्किन कंडीशंस और कुछ इन्फेक्शंस, फंगल इन्फेक्शंस जैसे टीनिया वेसिकुलर, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे पिटायरसिस अल्बा, इनके वजह से भी आपके स्किन का कलर कम हो जाता है। सो कम और ज़्यादा होने के ये सब कारण हो सकते हैं, और ये बेसिक मैकेनिज्म है मेलेनोसाइट्स का, मेलेनिन का। तो आइए दोस्तों, अब हम बात करते हैं मेलेस्मा की। If you want to know about health and have health concerns, then subscribe to my channel and hit the bell icon. You'll be notified about all upcoming videos. दोस्तों, मेलेस्मा एक बहुत ही कॉमन स्किन प्रॉब्लम है, बहुत, और ज्यादातर औरतों को ये ज्यादा होता है, मर्दों में भी हो सकता है लेकिन औरतों में ज्यादा होता है। इसमें क्या होता है, ब्राउन या ग्रेश ब्राउन कलर के आपके स्किन के ऊपर पैचेस आ जाएंगे। ये पैचेस ज़्यादातर उन इलाकों में आते हैं जो धूप में ज़्यादा एक्सपोज्ड होते हैं, जैसे कि फेस, आपके चीक, फोरहेड, आपके आपके फेस पे, नोज पे, ब्रिज ऑफ द नोज पे, आपके फोरहेड पे, आपके चिन पे, लिप्स के ऊपर, ऐसी जगहों पे ज़्यादा आते हैं। इसके अलावा गले पे और फोर आर्म्स पे जो अगर सन एक्सपोजर हो रहा है तो वहां पे भी आ सकते हैं। और क्योंकि धूप इसका सबसे बड़ा कारण है, इसीलिए सबसे बड़ा ट्रीटमेंट मेलेस्मा का है धूप से बचना। और ये छोटी बात नहीं कह रहा हूं दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है धूप से बचना, क्योंकि धूप से बचना इतना जरूरी है कि हर 2 घंटे में आपको सनस्क्रीन लगाना है, और जितनी वाइड बड़ी टोपी हो सके उतनी बड़ी टोपी पहन के, गॉगल पहन के, सन प्रोटेक्शन करके धूप में जाना है, क्योंकि अगर आपका ठीक भी हो गया और आप फिर धूप में चले गए तो फिर वापस मेलेस्मा हो जाएगा सन की वजह से, अगर आपको टेंडेंसी है तो। और जैसे मैंने बताया, औरतों में ये ज्यादा टेंडेंसी है मर्दों के मुकाबले, और हॉर्मोन्स के साथ भी मेलेस्मा का सेम रिलेशनशिप है हाइपर पिगमेंटेशन। जैसे जैसे हॉर्मोन्स चेंजेस होते हैं मेलेस्मा का टेंडेंसी बढ़ जाता है, इसीलिए प्रेगनेंसी में मेलेस्मा बहुत कॉमनली देखा जाता है, और इसी वजह से प्रेगनेंसी वाले मेलेस्मा को मास्क ऑफ प्रेगनेंसी भी कहा जाता है। और बेसिक प्रॉब्लम इस केस में हॉर्मोन्स के वजह से मेलेनोसाइट्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है। मेलेस्मा दोस्तों और कोई सिम्टम नहीं और कोई दिक्कत नहीं करता सिवाय स्किन का कलर चेंज करने में। इसके वजह से कोई और मेजर साइड इफेक्ट शरीर में नहीं होता है, कोई और दिक्कत नहीं होने वाली है। हाँ, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो सकता है, आप
कैसे दिखते हैं या आपको बहुत मैटर करता है, इसीलिए आपको फील फीलिंग आपको डिस्ट्रेस हो सकता है, आप डिप्रेस हो सकते हैं डी और डिमोटिवेट हो सकते हैं। इस वजह से भी यह बहुत ज़रूरी है कि आप मेलेस्मा को समझें, स्किन हाइपर पिगमेंटेशन को समझें, ताकि आप बच सके, ट्रीट कर सके अपने आप को और मदद ले सके जब ज़रूरत हो। दोस्तों ये देखा गया है कि जिन लोगों की स्किन ऑलरेडी थोड़ी डार्क है उन लोगों में मेलेस्मा ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि जो स्किन है दोस्तों, स्किन हमेशा बनती रहती है, आपकी स्किन ग्रो होती रहती है, जिस तरह हेयर्स हैं कुछ गिरते हैं कुछ नए आते हैं, वैसी स्किन भी गिरती रहती है और नई आती है। हर 28 दिन में आपके पूरे शरीर के ऊपर से नई स्किन आ जाती है, एच एंड एवरी सेल बदल जाता है स्किन का, ऊपर का एपिथीलियम का, 28 दिनों में। तो ये चीज अगर 28 दिनों में धीरे धीरे स्किन बदल रही है तो स्किन मेलेनिन भी बना रही है, तभी तो वो कलर मेंटेन हो रहा है। तो जो डार्क लोग हैं, गाढ़े, जिनका कलर ऑलरेडी गाढ़ा है, काला है, उनमें मेलेनोसाइट्स को और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ज़्यादा कलर बनाते रहने के लिए। तो इसीलिए ये देखा गया है कि उन लोगों में और ज़्यादा गाढ़ापन आने का, मेलेस्मा होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनके मेलेनोसाइट्स ऑलरेडी हाइपर एक्टिव हैं, मोर एक्टिव हैं, ज़्यादा एक्टिव हैं। जिनके ब्लड रिलेटिव में, रिलेशन में मेलेस्मा हो चुका है किसी को, उनमें भी मेलेस्मा ज़्यादा पाया जाता है। तो इसका कुछ ना कुछ जेनेटिक रिलेशनशिप भी है। देखो दोस्तों, अगर एक रीज़न बोला जाए कि आपको क्यों हुआ, तो उसका एक पर्टिकुलर रीज़न क्लियर नहीं है, लेकिन ये पक्का है कि ये सन एक्सपोजर से होता है, ये मेलेनोसाइट्स के हाइपर एक्टिविटी से होता है, और ये हार्मोनल चेंजेस से होता है। सन एक्सपोजर से क्यों होगा? क्योंकि सूरज की जो अल्ट्रावायलेट लाइट्स हैं वो आपकी स्किन को इरिटेट करती है, और ये स्किन इरिटेट होके उसमें म्यूटेशंस हो सकते हैं, रेडिएशन डैमेजेस हो सकते हैं, सनबर्न्स हो सकते हैं। सो इन सब चीज़ों को प्रोटेक्ट करने के लिए आपका शरीर रिस्पॉन्स में मेलेनिन बनाता है, जो मेलेनिन जो है आपके स्किन को प्रोटेक्ट करता है। और इसी ये जो डार्क लोग हैं जिनके अंदर मेलेनिन ज़्यादा है उनको स्किन कैंसर्स कम होते हैं, और जो एकदम वाइट सफ़ेद लोग हैं उनको स्किन कैंसर ज़्यादा होते हैं, क्योंकि मेलेनिन उनमें कम है तो उनका प्रोटेक्शन कम है। तो इसीलिए मेलेनिन ज़रूरी भी है। इसीलिए जो लोग गोरे होने को दौड़ते हैं वो अपने आप को रिस्क में डालते हैं। और दोस्तों इतना है कि अगर आपने, और दोस्तों ऐसा भी है कि अगर आपने मेलेस्मा ठीक कर लिया और उसके बाद आप वापस धूप में चले गए, तो छोटे देर के लिए, थोड़ी देर के लिए भी धूप का एक्सपोजर उस मेलेस्मा को वापस पैदा कर सकता है। और इसी कारण समर्स में, गर्मी के मौसम में मेलेस्मा ज़्यादा पाए जाते हैं, और इसी वजह से भी, धूप के वजह से भी मेलेस्मा लोगों को बार बार होता है। सिर्फ एक चीज़ करेक्ट करें तो आधे लोगों का मेलेस्मा वैसे ठीक हो जाएगा, तो बाकी आधों में थोड़ा हॉर्मोन्स भी इन्वॉल्व है और भी चीज़ें इन्वॉल्व है। तो हॉर्मोन्स, जैसे हमने बोले, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न। हॉर्मोनल चेंजेस में मेलेस्मा की जो मेलेनोसाइट्स हैं उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है, और इसी वजह से आपको मेलेस्मा होता है। इसीलिए प्रेगनेंसी में मेलेस्मा होता है, जिसको हम मास्क ऑफ प्रेगनेंसी भी कहते हैं, जिसको क्लियोस्मा भी कहते हैं। और ऐसे ही जो लोग बर्थ कंट्रोल पिल्स, हार्मोनल रिप्लेसमेंट लेंगे, उनको भी मेलेस्मा होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और जैसे हमने बताया स्किन इरिटेशन, तो अगर कोई आप प्रोडक्ट ले रहे हैं जो आपके स्किन को इरिटेट कर रहा है, कोई भी लगाने वाला या खाने वाला या टच कर दिया किसी चीज़ को, तो वहाँ पे मेलेस्मा हो सकता है। तो ये सारे रीज़न हुए दोस्तों मेलेस्मा के। तो अब बात करते हैं कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपको अगर डार्क पिगमेंटेशन है तो वो मेलेस्मा ही है। डॉक्टर्स कैसे पता करते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट? देखो दोस्तों, ज़्यादातर लोगों की स्किन के डीकलरेशन को देखकर ही, एग्जामिन करके ही डर्मेटोलॉजिस्ट बता सकते हैं कि ये मेलेस्मा है या नहीं। और कई दफ़ा हम मेलेस्मा कितना अंदर तक गया है आपके स्किन के लेयर्स में, उसको देखने के लिए उस लेजन को, उस डीपिगमेंटेड एरिया को एक वुड्स लाइट के अंडर देख के देख सकते हैं, वो डॉक्टर देखते हैं। और कई बार आप कंफर्म करने के लिए डॉक्टर स्किन की एक छोटी सी स्क्रैपिंग निकाल सकते हैं, स्किन बायोप्सी कर सकते हैं, छोटा सा स्किन का टुकड़ा लेके फिर उसको टेस्ट कर सकते हैं, जरा सी स्क्रैप लेके उसको टेस्ट करके पता चल जाता है कि उसमें मेलेनिन की एक्टिविटी कम है या ज़्यादा है, तो पता चल जाता है मेलेस्मा है या नहीं।
अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। दोस्तों वैसे तो मेलेस्मा को ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, कई दफ़ा कई लोगों में मेलेस्मा अपने आप फेड हो जाता है, अपने आप वापस उसका कलर ठीक हो जाता है समय के साथ, जैसे जैसे लोगों के हार्मोनल चेंजेस सेटल होते हैं, जैसे जैसे उनके धूप में जाना बंद करते हैं, जैसे जैसे अगर प्रेगनेंसी के प्रेगनेंस जैसे जैसे वो लोग और जैसे बेसिकली जैसे ही उसका ट्रिगर ख़त्म होता है तो मेलेस्मा ठीक होना शुरू हो जाता है। जैसे प्रेगनेंसी ख़त्म, बर्थ कंट्रोल पिल्स लेना ख़त्म तो मेलेस्मा ठीक, धूप में जाना ख़त्म तो मेलेस्मा ठीक, ऐसे धीरे धीरे होता है। बट एक दिन में नहीं होता, इसको वक्त लगते हैं, महीने लगते हैं, महीने। कुछ लोगों में मेलेस्मा सालों तक रह सकता है, कई लोगों में ये ज़िंदगी भर रह सकता है। तो अगर आपका मेलेस्मा ठीक नहीं हो रहा, जा ही नहीं रहा खुद से, या आप बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रहे हैं और लेते रहना चाहते हैं कि इसके वजह से मेलेस्मा हो रहा है, तो मेलेस्मा का दूसरा इलाज क्या है, तो उसके कुछ इलाज अवेलेबल हैं। पहला इलाज, पहली दवा जो उसमें इस्तेमाल की जाती वो है हाइड्रोक्यूनोन। हाइड्रोक्यूनोन बेसिकली पहली लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, जो फर्स्ट लाइन दवाई दी जाती है। उसको आपको सिर्फ उसी जगह, उसी चमड़ी की जगह पे लगाना है जो थोड़ी गाढ़ी कलर की है। इसका और कोई काम नहीं है दोस्तों। हाइड्रोक्यूनोन थोड़ी सी आपकी स्किन का कलर लाइट करता है, बहुत थोड़ा, धीरे धीरे करता है, टाइम लगता है इसमें। और ये हाइड्रोक्यूनोन जो है, ये आपके स्किन का कलर, हाइड्रोक्यूनोन से आपके स्किन में ये हाइड्रोक्यूनोन क्रीम, लोशन, जेल, लिक्विड कई प्रकार से आता है, और ये बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के आप ले सकते हैं दवाई बाहर से। मगर ये बात याद रखिए, जो आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के लेते हैं उसमें थोड़ी कम मात्रा में, कम कॉन्सेंट्रेशन में हाइड्रोक्यूनोन होता है, और आपके डर्मेटोलॉजिस्ट आपको एक अच्छी हैवी क्वांटिटी वाला हाइड्रोक्यूनोन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं पहले देख के कि वो ज़रूरत है या नहीं। फिर दूसरी दवा है ट्रेटिनोइन, ट्रेटिनोइन एंड कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स। ट्रेटिनोइन एक तरीके का रेटिनॉइड है, विटामिन ए के जैसा, जो कि एक्नी में भी दिया जाता है। और कॉर्टिकोस्टीरॉइड एक तरीके का स्टीरॉइड है बेसिकली। ये दिया जाता है कि आपके स्किन की लाइटनिंग इससे भी होती है, स्किन की जो एक्टिविटी है, जो इरिटेटेबिलिटी है, वो कम करता है और न्यू स्किन जनरेशन में हेल्प करता है। मगर ये सेकेंड लाइन दवा है, और ये भी आपके डर्मेटोलॉजिस्ट देते हैं। कभी कभी ये तीनों दवाएं, ट्रेटिनोइन, कॉर्टिकोस्टीरॉइड और हाइड्रोक्यूनोन, एक ही दवा, एक ही क्रीम में मिक्स होकर मिलती हैं, जिसे ट्रिपल क्रीम भी कहते हैं। ये भी इस्तेमाल की जा सकती है डॉक्टर की सलाह से, क्योंकि कई दफ़ा अगर आपने फंगल इन्फेक्शन पे स्टीरॉयड लगा लिया तो वो बढ़ जाएगा। इन्फेक्शन पे स्टीरॉयड नहीं लगाया जाता, इसलिए देखना ज़रूरी है कि आपकी एग्जैक्टली बीमारी क्या है। इनके अलावा दोस्तों और भी दो तीन तरह के प्रोडक्ट्स हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं। एक तो है एजिलिक एसिड और कोजिक एसिड, ये आपके डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, ये भी आपके स्किन का कलर लाइट करते हैं। और अगर ये सारी दवाई काम नहीं करती है तो फिर कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, केमिकल पील्स होते हैं, माइक्रो डर्म एब्रेजन्स होते हैं, लेज़र प्रोसीजर, लेज़र ट्रीटमेंट और लाइट बेस्ड प्रोसीजर्स होते हैं जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट कर सकते हैं स्किन का कलर लाइट करने के लिए। मगर ये बात याद रखें, ये प्रोसीजर्स जो हैं एक एक्सपीरियंस्ड पर्सन, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर, डर्मेटोलॉजिस्ट ही करे बेहतर है। और आपकी स्किन टाइप किस प्रकार की है उसके हिसाब से इस प्रोसीजर को अल्टर करके वो प्रोसीजर किया जाता है, वरना आपको कोई नई बीमारी, चमड़ी की कोई नई बीमारी हो सकती है। सो प्रोसीजर सिर्फ और सिर्फ डर्मेटोलॉजिस्ट से करवाएं और उनकी सलाह मशवरा के अनुसार करवाएं, और अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से बात करें इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में और हेल्थ कंसर्न के बारे में, आपकी पुरानी हेल्थ हिस्ट्री बता के। और अगर करवा लिया है तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखें कि स्किन इरिटेशन ना हो, डार्कनिंग ज़्यादा ना हो जाए, या और कोई प्रॉब्लम होती है तो डॉक्टर से तुरंत अपने बात करें। तो दोस्तों देखो, ज़्यादातर लोगों में मेलेस्मा ट्रीटमेंट के साथ, डर्मेटोलॉजिस्ट के एडवाइस की ट्रीटमेंट के साथ बड़े आसानी से ठीक हो जाता है, लेकिन कुछ तरीके के, कुछ लोगों में मेलेस्मा स्टबॉर्न हो सकता है, जो ज़िद्दी होता, नहीं ठीक होता, इसीलिए उसमें फिर कई महीने लगते हैं अच्छा ट्रीटमेंट या इम्प्रूवमेंट दिखने के लिए। मगर ये बहुत ज़रूरी है कि उस बीच आप अपने डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करें और भरोसा रखें, क्योंकि तभी आपको बेस्ट बेनिफिट मिलेगा। और कई दफ़ा जब आपका स्किन क्लियर हो जाती है, ठीक हो जाती है, उसके बाद भी आपके डॉक्टर बोलेंगे कि ट्रीटमेंट चलने दो। कई डॉक्टर्स इसे मेंटेनेंस थेरेपी कहते हैं,
और ये जरूरी भी होती है कुछ पेशेंट्स में मेलेस्मा प्रिवेंट करने के लिए कि वो फिर से वापस ना आ जाए। और आखिरी में दोस्तों कुछ बेसिक टिप्स आपको याद रखने हैं मेलेस्मा से बचने के लिए, मेलेस्मा वापस ना आए इसके लिए। सबसे बड़ी सबसे ज़रूरी चीज़, सनस्क्रीन पहनना पड़ेगा, सनस्क्रीन लगाना पड़ेगा। सनस्क्रीन आपको हर 2 घंटे लगाना है और कोई भी सनस्क्रीन नहीं चलेगी। यू हैव टू चूज़, आपको चूज़ कौन सी करनी है। ऐसी सनस्क्रीन जिसका सन प्रोटेक्शन फैक्टर SPF 30 या उससे ज़्यादा हो, और उसके साथ उसमें या तो जिंक ऑक्साइड हो या टाइटेनियम डाइऑक्साइड हो, क्योंकि ये दोनों चीज़ें जो हैं ये फिजिकली आपके स्किन को प्रोटेक्ट करती हैं, सन रेज जो है उसके अंदर जाने नहीं देती। और जो SPF का जो सनस्क्रीन है उसको एक बात याद रखिए, उसको 15 मिनट लगते हैं असर शुरू होने को, तो बाहर जाने के 15 मिनट पहले आपको अपने स्किन पे लगाना है, और आफ्टर 15 मिनट्स यू कैन गो आउट, उसके बाद जाना है। और जाने के बाद फिर अगले हर 2 घंटे में जो जो स्किन लेयर आपकी एक्सपोज है उसे फिर से आपको लगाना पड़ेगा, हर 2 घंटे में, 4 नहीं 6 नहीं, पूरे दिन में 2 बार नहीं, हर 2 घंटे में लगाना पड़ेगा। और कोई भी सनस्क्रीन वाटरप्रूफ नहीं होती है, नो मैटर व्हाट पीपल से। आपको अगर पानी से धो लिया, स्विमिंग कर ली, स्वेटिंग हो गई, पसीना आ गया, तो फिर लगाना पड़ेगा। सनस्क्रीन के अलावा आपको एक बड़ी सी टोपी पहननी है जब भी बाहर जाते हैं, जितनी बड़ी आपके स्किन को, जितने एरिया को प्रोटेक्ट कर सकें प्रोटेक्ट करना है, बेसिक आइडिया वही है। और सनग्लासेस भी पहन सकते हैं, सनस्क्रीन को लगाना ही लगाना है। इसके अलावा जितने भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं जेंटल रखिए, बहुत हैवी बहुत हार्श प्रोडक्ट ना रखिए, क्योंकि वो स्किन को इरिटेट करेंगे और स्किन इरिटेट होती है तो मेलेनोसाइट्स की एक्टिविटी बढ़ जाती है। बिल्कुल इसी वजह से आप वैक्सिंग भी अवॉइड करें, क्योंकि वैक्सिंग से भी स्किन इन्फ्लामेशन होती है जिससे कि मेलेस्मा बढ़ सकता है। तो अगर आपको कुछ एरियाज में मेलेस्मा है तो उस एरिया में वैक्सिंग तो बिल्कुल भी ना करें, अगर वैक्सिंग करनी ज़रूरी है तो उसको छोड़ दीजिए, बाकी एरिया में करिए। और बाकी उस एरिया के लिए आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर से बात कर सकते हैं कि वहाँ के बाल निकालने के लिए और बेटर तरीका क्या है आपके लिए। सेम वे वैक्सिंग भी और शेविंग भी ख़राब है उस एरिया में। सो अगर आपके मेलेस्मा स्किन पिगमेंटेशन ठीक नहीं हो रहे हैं किसी भी प्रकार के ट्रीटमेंट से, तो फिर अपने डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट से जाके बात करिए, डिस्कस करिए आपके ट्रीटमेंट ऑप्शंस। और इस वीडियो से होप आपको मदद मिली है, आपको समझ में आया है कारण और इलाज। तो दोस्तों देखते रहिए हमारा चैनल। कोई अगर आपके सवाल हैं तो इस वीडियो के नीचे आप लिख सकते हैं। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, आई एम अ कंसल्टेंट फिजिशियन कार्डियोलॉजिस्ट इन यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेहरूनगर दिल्ली NCR, एंड ये मेरा चैनल। इस चैनल को लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई है तो आपके दोस्तों को भी फ्रेंड सर्कल में ज़रूर इसे शेयर करिए, और उन्हें भी कहिए सब्सक्राइब करके इस इन्फॉर्मेशन को, इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए। और दोस्तों बिल्कुल इसी तरह बहुत सारे टॉपिक्स पे हमारे वीडियोस हैं, एक्नी पर भी है, एक्नी पे 4-4 एपिसोड्स हैं, ज़रूर देखिए जाके। मेलेस्मा का एक ही होगा, और आगे आपके सवालों के अनुसार हम वीडियोस बनाते रहेंगे। फैटी लीवर का वीडियो बहुत जल्द आने वाला है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस का वीडियो आने वाला है, प्रेगनेंसी पे बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। तो देखते रहिए हमारा चैनल, और अगली बार तक मैं हूँ डॉक्टर परमजीत और आप देख रहे हैं डॉक्टर एजुकेशन। टेक केयर, स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी।